एक पेड़ माँ के नाम लगाने अभियान के तहत हरियाणा में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं फरीदाबाद में भी इस लक्ष्य को पूरा करने की कड़ी में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और वन विभाग फरीदाबाद के संयुक्त अभियान में पौधारोपण किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्पों से श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा सभी प्रदेशवासियों को एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए प्रेरित भी किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सेक्टर 62 सहित पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा में सभी पार्क और मूलभूत सुविधाओं, गली और सड़कों आदि के कार्य लगातार जारी हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वृक्ष हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भोजन देने का कार्य भी करते हैं, इसलिए सभी को एक एक पौधा अपनी माँ और धरती के नाम लगाना चाहिए। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर पूरे हरियाणा में 51 लाख पेड़ों का लक्ष्य रखा है और जिनमें फरीदाबाद में 2.5 लाख पौधों का लक्ष्य रखा है। आज सभी रेजिडेंस की एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी, अध्यक्ष साहिबान, अधिकारीगण, हमने पेड़ों की शुरुआत की है कि पूरे फरीदाबाद को हरा भरा बनाना, ग्रीन फरीदाबाद रहे और सबसे ज़्यादा पेड़ों का जो लाभ मिलता है, पर्यावरण का जो लाभ मिलता है, व्यक्तियों को मिलता है, पॉल्यूशन मुक्त होता है हर, और इसमें सबसे बड़ी खासियत है इसमें जो पक्षियों को भी लाभ मिले, ऑक्सीजन का भी ज़्यादा लाभ मिले। नीम है, पीपल है, बड़ है, इस तरह के पेड़ रखे हैं जिसका जीव को भी लाभ मिले और व्यक्ति को 24 घंटे ऑक्सीजन मिले। कब तक ये अभियान सर जारी रहेगा? हाँ, कब तक ये अभियान सर जारी और ये जारी रहेगा जब तक लक्ष्य रखा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा था, एक पेड़ माँ के नाम और धरती माँ भी और माँ के नाम भी, कि माँ के नाम लोगों में बहाव और प्यार होता है, उस लक्ष्य को भी माँ के नाम जो पेड़ रखा, इस अभियान को हम जब तक लक्ष्य पूरे न करें जब तक जारी रखें। ठीक है।